हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमनु आईएएस। फ्रेंड्स, आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020। इस रिपोर्ट को रिसेंटली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। फ्रेंड्स, अगर हम किसी रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो फर्स्ट आपका फोकस होना चाहिए उस रिपोर्ट को किस एजेंसी, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है, बिकॉज एवरी ईयर यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछ रहा है। सेकेंड, हम रिपोर्ट के की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेटा को अपनी मेंस आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर को इफेक्टिव बना सकते हैं, इन चीज़ों को समझते हुए हमें रिपोर्ट को रीड करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को हम कवर करेंगे थ्री पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे की पॉइंट्स ऑफ रिपोर्ट, सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन रिपोर्ट। ओके, तो आइए फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। की पॉइंट्स, रिपोर्ट हमें बताती है इसने जो डेटा कलेक्ट किया है, तो ये डेटा कलेक्ट किया गया है फ्रॉम 236 कंट्रीज से। पीरियड की बात करते हैं, पीरियड कौन सा कवर किया गया, तो इस रिपोर्ट ने पीरियड कवर किया है फ्रॉम 1990 टू 2020। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिपोर्ट हमें बताती है वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो ये देखिए, ये है 4.06 बिलियन हेक्टेयर। यस, वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 4.06 बिलियन हेक्टेयर, और ये वर्ल्ड के टोटल लैंड मास का 31% है। सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट हमें बताती है टोटल फॉरेस्ट कवर में से 45% हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेकेंड नंबर पर मिलते हैं बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट को हम टैगा फॉरेस्ट भी बोलते हैं, और ये टैगा फॉरेस्ट अमेरिका और कनाडा वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो नंबर वन पर हैं ट्रॉपिकल, सेकेंड नंबर पर हैं बोरियल, उसके बाद टेम्परेट, एंड नेक्स्ट हैं सब ट्रॉपिकल। ओके, तो ये सीक्वेंस हो गया, ट्रॉपिकल, बोरियल, टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिपोर्ट हमें बताती है टोटल फॉरेस्ट कवर, ओके, टोटल फॉरेस्ट कवर का 54% हमें केवल 5 कंट्रीज में मिल जाता है। ओके, टोटल फॉरेस्ट कवर का 54% हमें कहाँ मिलता है, ओनली 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज कौन सी हैं, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका एंड चाइना, ये हैं 5 कंट्रीज, रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका एंड चाइना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉरेस्ट लॉस की बात करते हैं। ये रिपोर्ट हमें बताती है 1990 से 2020 तक हमें फॉरेस्ट लॉस हो रहा है, तो आपको याद रखना है नेट लॉस हुआ है हमें फॉरेस्ट का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट हमें बताती है कि जो रेट है फॉरेस्ट के कम होने का, ओके, या लॉस होने का, वो रेट कम हो रहा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है फर्स्ट पॉइंट, हमें टोटल लॉस हुआ है फॉरेस्ट का फ्रॉम 1990 टू 2020 तक, बट अगर डिफरेंट डेकेड को हम देखें तो जो फॉरेस्ट के कम होने का रेट है, ओके, वो कम हो रहा है। इसको समझिए कैसे, तो उन्होंने डिफरेंट डेकेड को लिया, डेकेड देखिए, इन्होंने बताया 1990 से लेकर 2000 तक जो डेकेड है उसमें उन्होंने बताया एवरी ईयर 7.8 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कम हो रहे थे। ओके, फिर उन्होंने सेकेंड डेकेड लिया, इन्होंने बताया 2000 से लेकर 2010 तक 5.2 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट एवरी ईयर कम हो रहे थे, उसके बाद 2010 से 2020 में, तो ये जो डेकेड है इसमें 4.7 मिलियन हेक्टेयर एवरी ईयर कम हो रहे थे। तो इसको आप समझिए, ग्रेजुअली रेट कम हो रहा है। पहले वाला जो डेकेड इन्होंने लिया 1990 से 2000 तक, ओके, उसमें उन्होंने बताया 7.8 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर कम हो रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो डेकेड आया उसमें जो रेट था वो कितना हो गया, 5.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया पर ईयर, और उसके बाद कितना हो गया, 4.7 मिलियन हेक्टेयर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रेजुअली कम होने का रेट कम हो रहा है, तो आप आंसर देंगे यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिपोर्ट हमें बताती है अमंग द वर्ल्ड रीजन्स अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस, कौन से डेकेड में, तो डेकेड इसने लिया है 2010 से 2020, तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है नेट लॉस। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट हमें बताती है एशिया हैड द
हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। यस वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया हैड हाईएस्ट नेट गेन ऑफ फॉरेस्ट एरिया कौन से डेकेड में, 2010 से लेकर 2020। ओके फ्रेंड्स, तो अफ्रीका में सबसे क्या हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है, और एशिया में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो ये दो पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करते हैं एफएओ को, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये एक बॉडी है, ये एक पार्ट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का। ओके फ्रेंड्स, इसको एस्टेब्लिश किया गया था अक्टूबर 1945। ओके, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली, तो इटली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल का नाम है क्यू डोंगयू, ये चाइना के हैं। फ्रेंड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका टास्क क्या होता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन टास्क है वो है, ये हंगर से लड़ती है, न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको अच्छा करने का, ठीक है, सही करने का ट्राई करती है, एंड फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है पूरे वर्ल्ड में। ओके फ्रेंड्स, तो एफएओ इसको कब एस्टेब्लिश किया गया, अक्टूबर 1945, यूएन का ये पार्ट है, इसका हेड क्वार्टर है रोम इटली। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पब्लिश्ड बाय, ऑप्शन देखिए यूएन एफएओ, ऑप्शन बी देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नेक्स्ट देखिए ऑप्शन सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दीज। तो सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, एफएओ। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अमंग द वर्ल्ड्स रीजन्स एशिया हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस इन 2010 टू 2020। ओके, सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट वर ट्रॉपिकल फॉलोड बाय बोरियल टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल। अब स्टेटमेंट वन को देखिए, इसमें बोला गया है एशिया हैड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट। अभी हमने रिपोर्ट को जब डिस्कस किया था उसमें साफ लिखा गया था कि एशिया में नहीं हुआ है सबसे ज्यादा नेट लॉस, हमें कहाँ हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। ओके, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। सेकेंड को देखिए, इन्होंने सीक्वेंस पूछ लिया इस क्वेश्चन में, तो सीक्वेंस क्या होगा, ट्रॉपिकल बोरियल टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल, सेम जो स्टेटमेंट में दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारा, आंसर बनेगा हमारा टू ओनली। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, मेहनत करते रहिए, थकना बिल्कुल नहीं है। ओके, अर्जुन की तरह, अर्जुन आपको पता है ना, अर्जुन की तरह केवल आपको चिड़िया की आंख दिखाई देनी चाहिए, इस टाइम पर केवल क्या दिखाई देना चाहिए आपको, प्रीलिम्स। ओके, अच्छे से मेहनत करिए, जितने जुनून के साथ आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। ओके, तो कहते हैं फ्रेंड्स, नो पेन नो गेन। ओके, थैंक यू।